मांग संख्या 52 पंचायती राज, मांग संख्या 53 ग्रामीण विकास विभाग पर मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज महत्वपूर्ण डिमांड पर चर्चा हो रही है, ग्रामीण विकास और पंचायती राज। ग्रामीण विकास से ही पूरे देश का, संपूर्ण प्रदेश का विकास हो सकता है। ग्रामीण विकास के लिए वर्तमान के समय में बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पूरी ग्राम पंचायत के द्वारा सभी विभागों को मिलकर पूरी पंचायत का प्लान बनना चाहिए। उस प्लान के अनुरूप जिस प्रकार के वित्तीय संसाधन ग्राम पंचायत के पास हो, उस हिसाब से उसका काम हो। वर्तमान की स्थिति यह है कि एक बार कहीं इंटरलॉकिंग लगता है, उसकी नाली बाद में बनती है, फिर उसके बाद में उसका ड्रेनेज सिस्टम अलग होता है। पूरा प्लान बने ताकि बार बार कहीं उसकी उसका सदुपयोग उसका हो सके, व्यवस्थित पंचायत का विकास हो सके। इस ऐसा प्रोग्राम निश्चित रूप से सभी विभाग को मिलाकर गाँव का बनाना चाहिए। साथ ही नरेगा आज की वर्तमान के समय में बहुत बड़ी योजना है। नरेगा के माध्यम से वर्तमान में बहुत सारे काम नरेगा के माध्यम से हो रहे हैं, नरेगा के माध्यम से रोजगार मिल रहा है और नरेगा की बहुत सी जगह तो अच्छी स्थिति है, बहुत सी पंचायत समिति में इस प्रकार की स्थिति है। वर्तमान में तो फिर भी सुधार हुआ है, नहीं तो इस प्रकार की स्थिति हुआ करती थी कि 500 रुपये में मस्टॉल बिकती है, 500 रुपये एक लेबर को दिया जाता है, उसके बाद में ये और फायदा उसको यदि उसको एक दिन भी वो काम पे नहीं जाता है, 500 रुपये जब उसको मिलते तो उसकी हाजिरी भी पूरी बनती, क्योंकि हाजिरी इसलिए पूरी भरी जाती है क्योंकि नीचे से ऊपर तक उसका पैसा थे होता है। और जब कच्चा काम नरेगा के रूप में जब उसको तो पक्का भी उस पंचायत को निश्चित रूप से काम मिलता है। वर्तमान में तो सुधार हुआ है क्योंकि जब से इन्होंने वो फोटो लेना शुरू हुआ है, जब से पहले से बहुत बड़ा सुधार हुआ है। नरेगा के माध्यम से स्वच्छता पर विशेष ध्यान ग्राम पंचायत की तरफ अपन को देना चाहिए। नरेगा में कुछ लेबर की मस्टोल में निरंतर उसकी हाजिरी लगे और नियमित गाँव की सफाई हो, इस प्रकार की व्यवस्था गाँव में हर ग्राम पंचायत के हर गाँव की इसकी प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से हम चाहते हैं भाई टेंडर के माध्यम से हो। बहुत सी जगह BSR से 30% बिलो भी इसकी रेट आती है और बहुत से मान्य सदस्यों ने कहा है मंत्री महोदय की स्थिति यह है, सब जगह की तो मैं कहना नहीं चाहता पर बहुत सी जगह हमारे पास भी ये शिकायत आई है कि वो जो प्रतिद्वंदी जिस सरपंच का प्रतिद्वंदी होता है वो 30 से 40% बिलो रेट लगाकर उसको परेशान करने की नीयत से उसको काम नहीं करने देता, ये हकीकत है बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में वो पंचायत निरंतर विकास की गति वहीं रुक जाती है, वो आगे काम करना नहीं चाहते, इस प्रकार की स्थिति हमने देखी है। साथ ही एक प्रधानमंत्री आवास की भी स्थिति है कि जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनाव जीतने के बाद भेदभाव बरतते हैं, प्रधानमंत्री आवास की जब सूची डिक्लेयर होती है, आवास की सूची डिक्लेयर होने के बाद ग्राम पंचायत के द्वारा उसका दोबारा ये देखा जाता है कि इसके वास्तव में कच्चा मकान है, पक्का मकान है या कैसा मकान है। तो जो अपने चहेते होते हैं उसके तो कहीं के अच्छी स्थिति में मकान होने के बाद भी उसके कच्चा मकान लिख दिया जाता है, और जो उसका प्रतिद्वंदी होता है उसके कुछ मकान नहीं होने के बाद भी उसके पक्का मकान लिख के और उसका नाम एक बार उसका हट जाता है, उसके बाद उसको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत उसको आती है। साथ ही बहुत से मान्य सदस्यों ने बोला है त्रिस्तरीय योजना जिन्होंने भी लागू करी, आदरणीय भैरू सिंह शेखावत जी ने जो आरक्षण लागू किया और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था जो लागू हुई पंचायत राज पंचायत समिति से प्रधान मेंबरों से जिला परिषद, तो अभी वर्तमान में आज भी बहुत सारे सदस्य बाहर बैठे हैं, वास्तव में इनको कहीं कहीं अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो वोट देने के बाद इनका अधिकार खत्म हो जाता है। पंचायत समिति सदस्य केवल प्रधान बनाने के लिए होते हैं, जिला परिषद सदस्य केवल जिला प्रमुख बनाने के लिए होते हैं, और ऐसी स्थिति इनकी जो समितियाँ होती है मंत्री महोदय वो समितियों का भी पालना, यदि समितियों का जो दायित्व है और जो उनका अधिकार है उसका उसकी भी पालना अधिकारी नहीं करते। जैसे स्थायी प्रशासन स्थायी समिति है जो निर्णय पारित होता है, ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार उसको है, उसके बाद भी वो समिति निर्णय करने के बाद भी विकास अधिकारी उसके आदेश नहीं निकालता है, तो इस समितियों से भी उनका मोह भंग हो गया है। इसलिए आगे आने वाले समय में मानता हूँ कि पंचायत समिति जिला परिषद इसके लिए तो अपन को कहीं कहीं लोगों को ढूंढना पड़ेगा, जबरदस्ती पैसे देकर तैयार करने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति आगे आने वाले समय में वास्तव में आने वाली है। साथ ही मंत्री महोदय डांग क्षेत्र में भी बहुत आप भी आपको पता डांग क्षेत्र में पता नहीं मेरे को अभी कैसे पैसा नहीं आ रहा, पर बहुत से पिछले 2-3 साल से डांग क्षेत्र में जो बहुत जो डांग क्षेत्र की जो पंचायत है उनका अच्छा विकास इस योजना के माध्यम से होता था, पर पिछले बहुत समय से इसका पैसा नहीं आ रहा, तो इसको जल्दी पैसा मिले ताकि विकास और विकास आगे बढ़ सके। साथ ही जो तीसरी संतान का जो विषय है कि
कि 95 के बाद जिसकी तीसरी संतान है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो मैं मानता हूँ इसमें एक अमेंडमेंट वापस लाने की आवश्यकता है। अब तीसरी संतान, मानो कि तीसरी संतान हमारे लिए तो लागू नहीं होती तीसरी संतान, पर उन पंचायत राज के जो चुनाव लड़ने वाले हैं उनके लिए तीसरी संतान लागू है, तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि अब इसको 95 में जगह 2020 मान लो, 22 मान लो, ताकि ये जो बीच का गेम आगे आने वाले लोग तो उसको कंट्रोल रखे, पर जिनके है शरीर तो वो तो कम से कम उससे बाध्यता उनके हट जाए तो वो तो चुनाव लड़ सके, ऐसी स्थिति निश्चित रूप से हो। पट्टे वास्तव में दिए हैं तो बहुत बहुत बधाई, सरकार के द्वारा पट्टे दिए जा रहे हैं, पर पट्टे वास्तव में नियमित मिले और एक अधिकार पट्टे के रूप में उसको मिल जाता है, और वर्तमान में पट्टे के माध्यम से उसको बैंक के द्वारा भी उसको लोन दिया जाता है, उसको बहुत बड़ा लाभ वास्तव में इसका उनको लोगों को मिल रहा है। ये साथ ही जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, वास्तव में ऐसी पंचायतें भी हैं, क्योंकि सरकार तो नगर पालिका का गठन भी करती है, वो कहीं के राजनीतिक भेदभाव के हिसाब से करती है, यदि प्राथमिकता पर करे उसकी जनसंख्या के हिसाब जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यदि करे तो वास्तव में फिर तो कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरी विधानसभा पूरी ग्रामीण विधानसभा 71 ग्राम पंचायत हैं, और 71 ग्राम पंचायत में खानपुर ग्राम पंचायत ऐसी पंचायत ग्राम पंचायत है जो मैं मानता हूँ शायद पूरे प्रदेश की शायद पहली या दूसरी पंचायत होगी, इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बाद भी उसमें नगर पालिका गठन नहीं हुआ, तो अगली सम्मेलन यंत्र वगैरह ऐसी सुविधा जो नगर पालिका के अकॉर्डिंग उसकी सुविधा बढ़े, ऐसी मेरी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है। ऐसे मंत्री महोदय बहुत जागरूक भी है, सतर्क है, इन्होंने बहुत सारा कंट्रोल भी किया है। आपने पहले जब नागौर साइड जब गए थे तो आप पंचायत राज में जो भ्रष्टाचार हो उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास निश्चित रूप से किया है, क्योंकि मंत्री जिस विभाग का मुखिया ईमानदार हो वास्तव में उस विभाग में बहुत बड़ा अंतर उसका निश्चित रूप से पड़ता है। आगे आने समय मेरा तो यही निवेदन है किस प्रकार से इस पंचायत राज के माध्यम से गाँव को हम विकास की ओर आगे बढ़ा सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी चंदेलिया।